नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनी टेक एंड एजुकेशन में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को आप किस प्रकार से चेक कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी वीडियो देखें ताकि इस वीडियो में बताया गया पूरी नॉलेज आपको मिल पाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और लिखना है rankiq.in या फिर rankiq लिख के आपको सर्च कर लेना है। दोस्तों जैसे आप सर्च कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं SSC फेज 10 rankiq, इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे आप क्लिक कर लेंगे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कुछ आपके सिलेक्शन पोस्ट के URL को आपको यहाँ पर डालना होगा जो कि आपके आंसर की URL होगी, यानी आपके लिंक होगी। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा लिंक आपको डालना है। आप जैसे कि अपने आंसर की को ओपन कर लेंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर की का जो लिंक है आपको ऊपर में मिल जाएगा जहाँ के सर्च बॉक्स है। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से इंटरफेस होगा। दोस्तों यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक जैसे करेंगे आपका लिंक कॉपी हो जाएगा। दोस्तों लिंक कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी यानी कैटेगरी आपके सिलेक्ट कर लेना है। ST SC OBC है तो हॉरिजेंटल जो है, यहाँ पर रिजर्वेशन अगर है आपका तो आपको सिलेक्ट करना है या फिर नन रखना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट एप्लीकेशन पोस्ट कोड, अगर पोस्ट कोड पता है तो यहाँ पर पोस्ट कोड डाल सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ दें। दोस्तों इसके बाद आपको 4 करेक्टर का कोई भी नंबर आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से एक पॉपअप आ जाएगी जहाँ की फिर से आपको एक सबमिट का बटन मिल जाती है जहाँ की आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोग्रेस होगा। प्रोग्रेस के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके सारे का सारा डिटेल्स यानी आप कितने अटेम्प्ट किए थे, कितने अनअटेम्प्ट थे, यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको अटेम्प्ट का बताएगा, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने 44 अटेम्प्ट किया था और इसमें आप देख सकते हैं नीचे में आपको अनअटेम्प्ट बताता है 56 अटेम्प्ट रॉन्ग जो रॉन्ग है और यहाँ पर राइट जितने हैं यहाँ पर आपको शो कर जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके पॉजिटिव मार्क है, पॉजिटिव मार्क्स आपके 54 है और नेगेटिव मार्क्स जो आई है यहाँ पर -8.50। तो इस प्रकार से आपका भी टोटली शो होने लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं जो इनके टोटल मार्क्स है 45.50। दोस्तों इसके बाद अपने नॉर्मलाइज मार्क्स को देखने के लिए यहाँ पर चेक योर रैंक में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से एक ऐड आ जाएगी जहाँ कि आपको क्लोज कर लेना है। ऐड को क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सारा का सारा मतलब कि मार्क्स, आपके रोल नंबर, आपके जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पर शो होने लग जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके एग्जामिनेशन डेट, आपके कैटेगरीज और टाइमिंग यहाँ पर आपको शो करेगी और जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं रो मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स भी आपको यहाँ पर शो कर जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं नॉर्मलाइज मार्क्स जो है आपके 43.63 है और यहाँ पर रो मार्क्स जो है 45.50, यानी दोस्तों यहां पर आपके रो मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स भी आपको सोने लग जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप अपने नॉर्मलाइज मार्क्स को और रो मार्क्स को देख पाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।